नमस्कार सुब साहब, दिल्ली वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी हाल के दिनों में, अभी पिछले दिनों एक मैं बोलूँगा भारत के लिए एक बुरी खबर है, जो हमारा एक डील चल रहा था चबार पोर्ट का, जिसमें हमारे को मिला था, काम मिला था कि रेलवे लाइन बिछाने का, वो एक तरीके से हमारे हाथ से निकलता हुआ दिख रहा निकल गया है एक तरीके से, और चाइना ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हम पहला क्वेश्चन आपसे यही करेंगे कि ये ऐसा कैसे संभव हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इंडिया का और ईरान का चबार पोर्ट का एग्रीमेंट साइन हुआ 2016 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरान गए थे। उसके बाद चबार पोर्ट की डेवलपमेंट का काम इंडिया को मिला। इंडिया ने इसका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट किया दिसंबर 2017 में, और उसके बाद उसका काम आगे चल रहा था। और चबार पोर्ट जो है एक इंडिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था। इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि इंडिया ये चाहता है कि जो उसकी ट्रेड है, क्योंकि पाकिस्तान का जो 1948 से एक पॉलिसी है कि इंडिया को अपने बॉर्डर से एक्सेस नहीं देगा, हमारा जो इसका पर्पस था या इंडिया का पर्पस था, यहाँ से अफगानिस्तान पहुँचने का था और अफगानिस्तान के थ्रू रशियन रिपब्लिक्स, क्योंकि रशियन रिपब्लिक्स लैंडलॉक कंट्रीज हैं और इंडिया को उनकी ज़रूरत है, उनको इंडिया की ज़रूरत है, और वहाँ पे दे आर रिच इन यूरेनियम और बाकी भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैस और पेट्रोल में। इसके बाद इंडिया ने 628 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था चबार पोर्ट से जाहिदान तक, जो कि बॉर्डर पर पड़ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। यहाँ से रेलवे लाइन बन करके आगे से रोड बना हुआ है, जो इंडिया का काबुल तक का रोड अब पहले से बना हुआ है, इंडिया ने बनाया, और यहाँ से इंडिया पहुँचना चाहता था कजाकिस्तान और बाकी रशियन रिपब्लिक्स की तरफ, ताकि वहाँ से ट्रेड का रूट खोल पाए। इसी पे इंडिया काम कर रहा था, लेकिन बीच में कोई दिक्कत आ गई। दिक्कत यह आ गई कि यूएस के ईरान के डिफरेंसेस आ गए और यूएसए ने इसके लिए सैंक्शंस लगा दी, लेकिन इंडिया के कहने पर कई बार सैंक्शन खुली भी। लेकिन इसके बाद इंडिया को जो रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ से फाइनेंसिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई भी बैंक इसमें फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। तो एक हिसाब से देखा जाए कि ये जो प्रोजेक्ट था थोड़ा सा स्टैंड स्टिल पे आ गया था। और दूसरी क्या है कि चबार पोर्ट की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली क्यों, विज अ विज पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वो इससे कम से कम करीब करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे है। वो जो गवादर पोर्ट है वहाँ पे चाइना अपना सीपीसी के अंडर उसको डेवलप कर रहा था, और उसी के थ्रू चाइना पाकिस्तान को एक्सेस दे रहा था अफगानिस्तान का, और इंडिया चबार के थ्रू अफगानिस्तान का और आगे रशियन रिपब्लिक का वो ले रहा था, तो दोनों का आपस में कंपटीशन था। लेकिन अभी जो है इसमें जो चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया ईरान के साथ, और स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर वो साइन किया, उन्होंने ईरान को $400 बिलियन का साइन किया 25 साल के अंदर, जिसकी वजह से ईरान जो है उसने इसको चाइना के इसको कह दिया कि इंडिया को कि हमें ये प्रोजेक्ट में हम इंडिया को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर दूसरी बात मैं कहूँगा कि इंडिया की इसमें बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि इंडिया ईरान से चीप ऑयल भी लेता था, लेकिन अमेरिका ने इंडिया को फोर्स किया, तो इंडिया ने जो ऑयल है वो लेना शुरू कर दिया अमेरिका से, और ईरान ये बात समझता है। लेकिन जो भी आज एग्रीमेंट हुआ, अगर लेकिन दूसरी बात है कि अगर चाइना घुसता है चबार पोर्ट के डेवलपमेंट में या रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट में, जबकि रेलवे लाइन तो ईरान ने कहा मैं खुद बनाऊंगा, तो उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान का गवादर पोर्ट डिफंक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है इंडिया को एक देखा जाए कि नुकसान तो है, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक टेम्परेरी फेज है, कि इसका जो बेसिकली इंडिया को नुकसान नहीं है, क्योंकि ये आजकल सिचुएशन ऐसी है कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं पाएगा, तो ये एक टाइम की बात है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया एक दूसरी कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में जाने की, वो है थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, और साथ में देखा जाए तो एक अफगानिस्तान के साथ एक पतली सी लाइन है जो बीच में बॉर्डर आता है, जो एक उसके पास वो लगता है ताजिकिस्तान के साथ। तो अब इंडिया जो है इसका पहले काउंटर करना शुरू कर दिया है, जैसे अब गलवान में जो झगड़ा क्यों हुआ चाइनीज़ के साथ, झगड़ा चाइनीज़ के साथ इसलिए हुआ कि इंडिया वहाँ पे 32 रोड्स बना रहा है, और साथ में एक 265 किलोमीटर का लंबा रोड बना रहा है, जिसके ऊपर चाइना जिसको नहीं बनाने दे रहा था, उसका एक रोड का जो पर्पस है वो बेसिकली देखा जाए तो चाइना के पास जो अक्साई चेन है उसको काउंटर करने के लिए है, और ये जो रोड है ये समझिए सीधा गिलगित बाल्टिस्तान के अपोजिट है, और जो बाकी रोड्स भी हैं वो वहीं को एक्सेस देने की तैयारी में है, क्योंकि इंडिया ने कह दिया कि गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है, और साथ में इंडिया कश्मीर के अंदर भी बड़ा जोर से डेवलपमेंट का काम कर रहा है।
रिसेंटली इंडिया ने 5 ब्रिजेस कंप्लीट कर दिए, और वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इंडियन जो है अपनी गोरखास और दूसरी जो आर्मी के आर्मी पर्सनल है वहाँ उनको बिठाने के चक्कर में है कि आपको यहाँ पे लैंड और बाकी जगह भी दी जाएगी ठहरने के लिए कश्मीर के अंदर बॉर्डर एरियाज में, और यहाँ पे इंडियन अपनी आर्मी बिठा रहा है, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो चाबार का पोर्ट का डेवलपमेंट है, एक ये थोड़ी सी टाइम की बात है, अगर इंडिया को चाबार पोर्ट नहीं मिलता, गिलगित बाल्टिस्तान मिल जाता तो इंडिया की सारी पर्पस दूर हो जाती है, क्योंकि इससे इंडिया का पर्पस यही है टू रीच अफगानिस्तान और उससे के साथ रशियन रिपब्लिक्स। जिस तरीके से चाइना जो है अलग अलग छोटे छोटे कंट्रियों को पैसे दे दे के किसी भी तरीके से कर्जदार बना के उसको यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि भारत से जब फेस ऑफ हुआ बॉर्डर पे, वहाँ पे तो वो जीत नहीं पाया, उसको बैक होना पड़ा किसी तरीके से। तो ये जो इसने दूसरा तरीका अपनाया कि जिसकी जो साथ जो जिसकी डीलिंग है उसको पैसे दे दे के, चाहे वो नेपाल का मुद्दा हुआ, चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे अभी जो रिसेंटली ये घटना घटी, तो क्या लगता है कि यदि इस तरीके की पॉलिसी रही तो भारत को वो किस तरीके से नुकसान कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि चाइना शुरू से भारत को नुकसान करने में लगा है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि चाइना इज एनिमी नंबर वन। 2008 में जॉर्ज फर्नांडिस से कहा था कि डिफेंस मिनिस्टर थे पुराने, कि चाइना इज एनिमी नंबर वन, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने 2011, 2013 और 2017 में बार बार कहा कि चाइना इज एनिमी नंबर वन। देखिए, चाइना क्या करता है, चाइना ने हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एक्सेशन का लिया हुआ है। 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान का 5,180 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान चाइना को दे दिया। चाइना हमारे बॉर्डर में रोज हमको तंग करता है, हरासमेंट करता है, और एक समझिए साल के अंदर 100 से 150 हमारे बॉर्डर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करता था। ये तो अभी हमने चाइना को कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया, अदरवाइज हम उनको कन्फ्रंट नहीं करते थे, बातें रिपोर्ट नहीं होती थी। फिर चाइना हमारा 90,000 किलोमीटर का एरिया अरुणाचल का मांगता है, उसको क्लेम करता है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के ऊपर, चाइना पाकिस्तान को एनकरेज करता है कि इंडिया के कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी लाए, चाइना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, इंडिया के अंदर जहाँ भी आपकी मॉइस्ट एक्टिविटीज़ हैं या दूसरे इस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर सारे चाइनीज आर्म्स होते हैं, चाइना उसमें इन्वॉल्व होता है, और हम चाइना के खिलाफ कुछ नहीं करते। लेकिन अभी जो गलवान में हमारा फेस ऑफ हुआ उसके बाद चाइना सोच रहा था इंडिया भाग जाएगा पहले की तरह, क्योंकि चाइना को आदत पड़ी हुई थी पिछले 60 साल से हमारे एरियाज में घुसने की, हम उसको कुछ नहीं करते थे। हमने पहला उसको कन्फ्रंट किया है जुलाई 2017 में, जब भूटान के एरिया में घुसने की कोशिश की उसने ढोकलाम के अंदर, तो उसने तब इंडिया को कन्फ्रंट किया। लेकिन अभी इंडिया ने उसको बड़ा फोर्सफुली कन्फ्रंट किया है, जिसकी वजह से चाइना घबरा गया। चाइना ने कोशिश की हमारे सोल्जर्स पे अटैक करने की, धोखे से अटैक किया, हमारे 20 सोल्जर मारे गए। लेकिन जब चाइना के पता चला कि चाइना के पहले आए 35 सोल्जर मारे गए, मैंने शुरू से कहा था 59 सोल्जर्स हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स उनके जो इंजर्ड थे वो अपनी इंजरी से डेथ में कन्वर्ट हो गए, तो चाइना के 108 सोल्जर मरे। आप खुद सोचिए कि चाइना के अंदर साइकोलॉजिकल कितना प्रेशर होगा, ये कितना बुरा हाल होगा, और चाइना अपने बॉर्डर पे हमारी तैयारी कर रहा है, अपने फोटोज दिखा रहा है, अपने वीडियोस जारी कर रहा है कि हमने बड़ी प्रिपरेशन कर ली, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जिस हिसाब से उसको फेस ऑफ किया है और इंडिया ने जिस हिसाब से अपनी तैयारी की है, चाइना घबरा गया और अल्टीमेटली पीछे हट गया। इवन इसराइल ने हमको दो अपने डिफेंस सिस्टम्स दिए और उनके यहाँ पे आर्मी के लोग बैठे हैं जिन्होंने इंस्टॉल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कुछ 2-4 दिन के अंदर पूरा हमारा लद्दाख के एरिया में इंस्टॉल हो जाएगा, और एक हम पाकिस्तान के वहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। साथ में हमें वर्ल्ड जिस हिसाब से सप्लाईज दे रहा है, हमने $39,000 का सामान अभी खरीद लिया फ़ौरन से, और साथ साथ और परचेजिंग एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। तो इंडिया को जो बेसिकली 2 साल या 3 साल में सामान मिलना था वो हमको 2 महीने के अंदर मिल रहा है। तो इंडियन आर्मी की पोजीशन जो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि चाइना उससे घबरा गया। तो चाइना हमारे को इंडिया को दूसरी जगह से तंग करने की कोशिश कर रहा है। आप ये सोचिए ना कि चाइना जैसे वो एक आपके बॉडी में एक फोड़ा निकल जाता है तो एक जगह से इलाज कराते हैं, दूसरी जगह निकल जाता है, तो चाइना हमको बॉर्डर पर तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। लेकिन चाइना की हिम्मत नहीं है अब इंडिया को सामने कन्फ्रंट करने की। चाइना ने नेपाल के केपी ओली को 200 करोड़ दे दिए, फॉरन में उसके अकाउंट खोल दिए, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया, ताकि केपी ओली इंडिया को कुछ ना कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता रहे। और इसी तरीके से केपी ओली टोटल जो चाइना की पॉलिसी है कि ये एरिया मेरा है, राम मंदिर मेरा है, ये करके वो लगा हुआ है, पागल हो चुका है ओली। और आप समझिए कि दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये नेपाल का दूसरा किम आ गया, नॉर्थ कोरिया बन गया नेपाल। दूसरी बात, इन्होंने श्रीलंका में इंटरफेयर किया, श्रीलंका का जो राजा कपसा जो है उनका प्रेसिडेंट है,
वो शुरू से फैमिली जो है पूरी प्रो चाइना रही है, तो उसने कहा कि इंडिया को जो कोलंबो का पोर्ट का डेवलपमेंट है वो काम दे छोड़ दिया। लेकिन उस तरफ चाइना ने पहले जो इनका हम्बन टोटा पोर्ट है वो लिया हुआ है, और इंडिया ने उसके सामने मटाला पोर्ट ले लिया, मटाला एयरपोर्ट लिया हुआ है जो उससे 40 किलोमीटर दूर है, ताकि वो उसको टोटल इंडिया न्यूट्रलाइज कर चुका है। तो मतलब कोशिश कर रहा है श्रीलंका को भी भड़काने की, क्योंकि उसने करप्ट, चाइना की एक पॉलिसी है वो करप्ट पॉलिटिशियंस को ढूंढता है, इंडिया में भी ढूंढे हुए हैं जी। और साथ में इसी वजह से एक उसने अब ईरान से इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। पाकिस्तान तो समझ चुका है कि भाई चाइना मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। जो ईरान का चाबहार पोर्ट अगर के डेवलपमेंट के लिए चाइना उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट डिफंक्ट हो जाता है। साथ में कोशिश कर रहा है म्यांमार के अंदर मिलिटेंसी लाने की, वहाँ पे जो अराकान के जो मिलिटेंट्स हैं उनको चाइना से आर्म्स दे रहा है ओपनली, बाकी कुछ ग्रुप्स को भी दे रहा है। साथ में इंडिया ने क्या किया काउंटर करने के लिए कि नागालैंड के अंदर 3 महीने की इमरजेंसी लगा दी है, राधा 6 महीने की इमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि मिलिटेंसी को देखते हुए कि यहाँ से मिलिटेंसी चाइना ना कर रहा है। तो चाइना के पास जो भी कुछ बनता है वो कर रहा है फ्रस्ट्रेशन में। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया भी नहीं छोड़ रहा, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कर लिया, क्वाड बना लिया चाइना को काउंटर करने के लिए। और इंडिया की जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पे हमारे 10,000 सोल्जर्स और कुछ वो रहते थे, हमारे जो एक ट्राई सर्विस हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे इंडिया अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है, और वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जिससे हम चाइना को कहीं पे भी उसको ध्वस्त कर सकते हैं इंडियन ओशन के अंदर। तो इंडिया भी अपना लगा, फिलीपींस के साथ इंडिया का एग्रीमेंट हो गया, इंडिया का इसके साथ वियतनाम के साथ एग्रीमेंट हो गया, इंडिया उसको मिसाइल्स दे रहा है, इंडिया का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हो गया, तो दोनों एक दूसरे में लगे हुए हैं। तो चाइना का जो भी ये टैक्टिक्स हैं वो चाइना बेसिकली अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है छोटे छोटे में, लेकिन दूसरी तरफ चाइना देखा जाए तो इंडिया ने चाइना को टोटल घेर के रखा होगा। अभी हम बात करें यहाँ इंडियन मीडिया की बात करें तो देखा जा रहा है कि चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस मीडिया के अंदर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ की जो बातें होती हैं बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। जैसे जिस तरीके से कल इनका एग्रीमेंट हुआ उसके बाद सभी मीडिया वालों ने इसको बड़ा किया कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया भारत को। देखिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ जी, साफ सी बात यह है कि हर एक चीज़ का फायदा भी है। अगर हम चाइना के खिलाफ इतना कुछ कर रहे हैं तो चाइना भी कुछ करेगा। और जो ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट, जो इसका चबहार पोर्ट का डेवलपमेंट है, वो बेसिकली अगर इंडिया को उससे एक्सेस नहीं मिलता तो इंडिया को मुझे लगता है कि अगले साल तक गिलगित बाल्टिस्तान से ले लेगा। इतने साल तक हमारे पास कुछ नहीं था, सेंट्रल एशिया के लिए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी जो है ईरान को भी पता है कि वो चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकता। और देखते हैं कि कुछ अगले 1 महीने में 2 महीने में या 6 महीने में चाइना का क्या हाल होता है, क्योंकि चाइना वैसे भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसकी सारी ट्रेड बंद हो रही है, उसके एक्सपोर्ट सारे बंद हो रहे हैं, चाइना को टोटल बॉयकॉट करने पर लगा हुआ है। पाकिस्तान भी आप देख लीजिए, पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज हो गई, 73 साल तक हमारा एक मंदिर तोड़ते रहे, अब क्या कहते हैं एक मंदिर बना दो, फिर दूसरा मंदिर खोल दिया। तो पाकिस्तान इस टाइम ये देख रहा है कि किसी तरीके से उसको भी समझ आ गया है कि हमें चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकते। देखिए वर्ल्ड में जो भी कोई लोग होते हैं वो देखते हैं कि पावरफुल आदमी के पास जाने को, लेकिन अगर वहाँ पे करप्ट है, जैसे ओली करप्ट है, ओली को इन्होंने पैसे खिला दिए, ओली उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, तो ये नहीं कि नेपाल ओली के साथ हो गया, ये ओली हो गया माइनस नेपाल, श्रीलंका में राजा कप्सा हो गया माइनस श्रीलंका। लेकिन इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में, क्योंकि अमेरिका तो चाइना को छोड़ेगा नहीं। और इंडिया जिस हिसाब से डील कर चुका है शुरू से, देखिए चाइना एक बात देखिए, शुरू से चाइना इंडिया को कैसे परेशान करता रहा, कोई तरीका छोड़ा है, लेकिन हम कुछ नहीं कहते थे। आज इंडिया ने क्या कहना शुरू कर दिया, इंडिया ने उसके साथ ताइवान का इशू उठा दिया कि ताइवान को इम्पोर्टेंस दे रहा है। दूसरी बात, इंडिया ने शुरू कर दिया है तिब्बत का इशू उठाना, और तीसरा इंडिया ने हांगकॉन्ग का। तो ये चाइना की दुखती नसें हैं, चाइना जो कुछ मर्जी कर ले, दिक्कत क्या आ रही है कि चाइना एक डूबता शिप है और इंडिया एक उभरती हुई कंट्री है, इंडिया के साथ सारा वर्ल्ड खड़ा हुआ है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईरान का। लेकिन ईरान को अल्टीमेटली ठीक है, वहाँ के लोग भी, मैं रहा हूँ ईरान के अंदर, वहाँ के लोग भी ईरान को पसंद करते हैं, और हमारा मीडिया का जो एटीट्यूड रहता है वो एक तरफा रहता है, क्योंकि चाइना का अच्छा मीडिया का कंट्रोल है। मुझे बता दें, मैं तो ईरान में रहा हूँ कि मुझे पता कि ईरान के अंदर क्या हुआ है क्या होगा। अब कौन से मीडिया वाले हैं जो ईरान के अंदर गए हैं, यहाँ बैठे बैठे कि हमें बड़ा नुकसान हो गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, एक ये टेम्प्रेरी फेज़ है और ये फेज़ भी ऊपर हो जाएगा, इंडिया को चाबहार पोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पूरी लगी हुई है गिलगित बाल्टिस्तान को लेने में। गिलगित बाल्टिस्तान लेते हुए इंडिया का पूरा अफगानिस्तान के साथ लिंक हो जाएगा, ताजिकिस्तान के साथ हो जाएगा, और उसके बाद रशियन रिपब्लिक से हमारा लिंक पहुँचेगा, और हमारा डायरेक्ट किसी के डिपेंड करने के बजाय डायरेक्ट रूट होगा। और ये जो रूट होता है, ये पुराना एक यहाँ पे ही जो पुराने टाइम में यही रूट चलता था रशिया और बाकी कंट्रीज में पहुंचने का। बताया जा रहा है कि ये जो डील के पीछे एक चाइना का एक लालच भी है, क्योंकि वो देख रहा है कि वहाँ से तेल उसको बड़ा इजीली मिल जाएगा और सस्ते दामों पे मिल जाएगा, क्योंकि भारत भी पहले इनसे
लेता था ईरान से तेल लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरफेयर से आजकल लेना बंद कर दिया है। इसी का कहीं ना कहीं उसको भी रोष था, जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ। देखिए अल्टीमेटली जो चाइना का जो है, एक तरफ अगर चाइना का गेन है तो लॉस भी है। अगर चाइना यहाँ के चाबहार पोर्ट की तरफ जाता है तो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट का सत्यानाश हो जाएगा, जो इतने साल में उसने 66-60 बिलियन डॉलर में खर्च किए जो शुरू किया है। दूसरी बात है कि तेल के लिए चाइना रशिया से भी ले रहा था, चाइना गल्फ से भी ले रहा था, और चाइना को एक और डर है। चाइना का डर ये है कि जो उसको पेट्रोल लेगा, उसको पेट्रोल लेके कहाँ जाएगा, उसको आना पड़ेगा इंडियन ओशन से। अगर अमेरिकन फोर्सेज वहाँ खड़ी हैं, इंडियन फोर्सेज वहाँ खड़ी है, तो उसको तेल नहीं पहुँचेगा। अगर वो तेल लेके जाएगा तो तेल उसका रास्ते में डूब जाएगा। चाइना को मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बड़ी ज़्यादा इसमें शोर मचाने की बात है कि बड़ा एक इंडिया को बड़ा लॉस हो गया या चाइना को बड़ा फ़ायदा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि अगर कभी भी अमेरिका थोड़ा सा ईरान थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो ईरान के साथ वही रिश्ते रहेंगे इंडिया के जो पुराने हैं। और दूसरी बात एक और कहूँ कि चाइना पे आज की डेट में कोई फेर नहीं करता, लेकिन ईरान और चाइना का एक जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक एग्रीमेंट हुआ है अगेंस्ट यूएस, क्योंकि दोनों के यूएस से दुश्मनी है, ईरान की कोई इंडिया से दुश्मनी नहीं है, तो ये उनके लिए हुआ है। और एक ये सिर्फ एक दिखाया गया, अभी एग्रीमेंट हुआ है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा वो इंडिया वहाँ पे चुप रहेगा या इंडिया को सब कुछ मिलेगा, इंडिया इसमें न्यूट्रल आ जाएगा, टाइम इसका चेंज हो जाएगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक जो हैं, हो सकता है कि आपकी बातों से सेटिस्फाइड हों और उनको ये जो दिख रहा है मीडिया के अंदर उनको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, और इसके बारे में आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।